मधुबन में तमाड़ का इतिहास दोहराया जाएगा। भाजपा विधायक दल की नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार के जन विरोधी कार्यकलाप और जनता की नाराजगी को भांपते हुए व चुनाव की हार के डर से अपने प्रत्याशी को विधायक बनाने से पूर्व ही मंत्री बना दिया, किंतु झाबुमो तमाड़ की हार भूल गई है। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री होते हुए भी चुनाव हार गए थे। मधुपुर में भी यही होने वाला है। भाजपा में आजसू नेता गंगा नारायण सिंह को पार्टी में शामिल करने के बाद उन्होंने यह बातें कही। आजसू नेता गंगा सिंह ने कहा कि गांव, गरीब व किसान की निस्वार्थ सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। भाजपा की सिपाही होने के नाते निस्वार्थ कार्य करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का आभार प्रकट करते हुए कहा, भाजपा का सिपाही होने के नाते पूरी ईमानदारी, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। गंगा नारायण सिंह के आने से बीजेपी आजसू के वोटर एकजुट होंगे ये तय है, लेकिन हफीजुल हसन को जीतने के लिए यादव मुस्लिम आदिवासी वोटर्स को एकजुट करना होगा। ऐसे में चुनाव प्रसार के दौरान अन्नपूर्णा देवी, रामचंद्र चंद्रवंशी, बाबूलाल की तिकड़ी को खूब पसीना बहाना होगा। इसके अलावा ब्राह्मण वोट किसकी तरफ जाता है ये महत्वपूर्ण होगा। एवरी वेलकम, यू नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।